चलिएगा दैनिक उपयोगी सेंटेंस, ठीक है, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे दिया गया है, कमरे में घुसते ही मैंने तुम्हें देखा, ठीक है, इसको हम अधिकांशतः बोलते भी हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑन एंटरिंग द रूम, ऑन और एंटरिंग द रूम, कॉमा लगाएंगे, मैंने तुम्हें देखा, आई सॉ यू। जैसे कमरे में घुसते ही मैंने मोबाइल देखा, ऑन एंटरिंग द रूम आई सॉ द मोबाइल, ठीक है। ऐसे एक दो सेंटेंस आप भी बोल सकते हैं। काम को काम सिखाता है, ठीक है, तो वर्क यानी कि काम, सिखाना यानी कि टीचेज, वर्क टीचेज, ठीक है, हाउ टू वर्क। वर्क टीचेज हाउ टू वर्क, काम को काम सिखाता है। ऐसे ही हम बोलते हैं, ना तो वह पढ़ता है ना मुझे पढ़ने देता है, ठीक है। तो ना तो के लिए हम लिखेंगे नाइदर, नाइदर, वह पढ़ता है, ही रीड्स, ठीक है, ना मुझे पढ़ने देता है, नॉर डज ही लेट मी रीड, ठीक है, नाइदर ही रीड्स नॉर डज ही लेट मी रीड, ठीक है। इसको अधिकांशतः स्टूडेंट गलत भी बनाते हैं, तो याद रखिएगा, अगर ना वाला सेंटेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज भी किया जाता है, ठीक है। जितना अधिक पढ़ोगे उतना अधिक अंक पाओगे, जितना यानी कि द मोर, क्या लिखोगे, द मोर यू रीड, तुम पढ़ोगे, द मोर यू रीड, जितना अधिक पढ़ोगे, कॉमा लगा के, द मोर यू गेट मार्क्स, ठीक है, द मोर यू रीड द मोर यू गेट मार्क। देखा भी होगा आप लोगों ने, जैसे जितना खाओगे उतना और चाहोगे, ठीक है। आगे है, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो, इट इज गेटिंग, इट इज गेटिंग, गर्मी यानी कि हॉट, इट इज गेटिंग हॉट, दिन प्रतिदिन, डे वाई डे, इट इज गेटिंग हॉट डे वाई डे, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। अब आगे हम देखेंगे, साइकिल के पहिए में हवा कम है, साइकिल के पहिए में हवा कम है, तो ऐसे सेंटेंस अधिकांशतः हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, हवा कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब उसमें दिखाई दे रही है तुम्हें, उसको नीड है किसकी, पंपिंग की, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं व्हील, व्हील मीन्स पहिया, व्हील ऑफ साइकिल, नीड, ठीक है, एस जोड़ देंगे, एक पहिए में है, व्हील ऑफ साइकिल नीड्स पंपिंग, ठीक है। ऐसे उन दोनों में झगड़ा हो गया, उन दोनों में झगड़ा हो गया, तो उन दोनों में बिटवीन द टू कह सकते हैं, तो झगड़ा होता है क्वेरल, द क्वेरल मीन्स झगड़ा होता है, क्वेरल, अरोज उठ गया, अरोज, बिटवीन द टू, ठीक है, द क्वेरल अरोज बिटवीन द टू, उन दोनों में झगड़ा हो गया, कृपया उसे फोन कर देना, सुना भी होगा आप लोगों ने, तो प्लीज कॉल हर, प्लीज कॉल हर, ठीक है। आगे, जब तक तुम नाचोगे तब तक वह जीवित रहेगा, ऐसे डायलॉग आप लोगों ने मूवी वगैरह में जरूर सुने होंगे कि जब तक तुम नाचोगे जब तक उसकी सांसें चलेंगी,
जब तक तुम नाचोगे वह जीवित रहेगा, ऐसे डायलॉग आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। ठीक है, तो जब तक तुम नाचोगे, ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे कि उसकी वह जीवित रहेगा, तो हम लिख सकते हैं ही विल अलाइव, ही विल अलाइव, वह जीवित रहेगा। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू नाचना डांस, ही विल अलाइव एज लॉन्ग एज यू डांस, जब तक तुम नाचोगे। एक सेंटेंस अपने तरीका से कमेंट कर में बताइए, बताइएगा आप किस तरीका से लिख सकते हो। कायर ये दुस्तल से भागकर अपयश की मृत्यु मरते हैं, तो कौन मरता है? कायर, कायर जानते हो, कावर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कावर्ड्स मरते हैं, यानी कि डाई, मर जाते हैं। अब अपयश की मृत्यु, ग्रेसफुल मीन्स क्या होता है? यस, तो डिसग्रेसफुल लगा देंगे, डिस ग्रेसफुल, डाई या डिसग्रेसफुल, डेथ, डेथ मतलब मृत्यु। अब क्या लिखा? युद्ध भूमि से भागकर, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वाई रनिंग अभी भागकर फ्रॉम द, अब फ्रॉम यानी कि लगाएंगे, फ्रॉम द बैटल फील्ड, बैटल फील्ड मतलब युद्ध भूमि। ठीक है, कॉवर्ड्स डाई अ डिसग्रेसफुल डेथ वाई रनिंग अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड, कायर युद्ध स्थल से भागकर अपयश की मृत्यु मरते हैं। थोड़ी कम आया शायद, एक मिनट चलिएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे, चिंता करने से क्या होता है? चिंता करने से क्या होता है? वरी डज नॉट मेंड मैटर, वरी डज नॉट मेंड और मैटर्स, वह इतना धनी है जितना कि प्रतीत होता है, वह इतना धनी है जितना कि प्रतीत होता है, तो हम कह सकते हैं ही इज। ठीक है, एज रिच, एज ही लुक्स, ही इज एज रिच एज ही लुक्स, आपके लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं करता हूं। ठीक है, आपके लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं करता हूं, तो इसको हम बोलेंगे आई विश, सब्जेक्ट अपने आप को ही मानना पड़ेगा, तो आई विश, ठीक है, यू तुम्हें, यानी कि आपको, आई विश यू, ठीक है, हैप्पी बर्थडे, आई विश यू हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो हम कह सकते हैं यू डोंट नो ऑफ मी, ये अबाउट भी लगा सकते हैं, यू डोंट नो ऑफ मी, या यू नो नथिंग ऑफ मी, ऐसे भी बना सकते हैं। बेईमानी नरक का रास्ता बनाती है, ठीक है, तो बेईमानी क्या होता है? डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ठीक है, बेईमानी। अब पेव्ड, ठीक है, द रोड टू हेल, द रोड टू हेल, इस तरीका से। मेरी घड़ी में 5:30 बजा है, तो हम कह सकते इट, ठीक है, अब इट से ही बनेगा क्योंकि समय की जानकारी हमें मिल रही है, तो इट इज 1:30, ठीक है, 5:30, वाई माई वॉच, मेरी घड़ी में, इट इज 5:30 बाई माई वॉच, मुझे नहीं पता, आई डोंट
नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। जो कुछ भी होता है तुम शांत रहना, ठीक है? जो कुछ भी होता है, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, जो कुछ भी, ठीक है? वॉट एवर हैपेंस, ठीक है? मैं बात का पक्का हूँ, आगे लिखेंगे थोड़ा सा। एक मिनट, मैं बात का पक्का हूँ, मतलब आई एम मैन ऑफ वर्ड्स, आई एम मैन ऑफ वर्ड्स, मैं बात का पक्का हूँ। ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहो जो समय बर्बाद करते हो। इसको आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके जरूर बताएं। जो बहुत सिंपल है, ऐसे यानी कि सच होता है, विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट होता है, दूर रहना फार अवे, जो समय, जो यानी कि हो, समय यानी कि टाइम, बर्बाद कर, डिस्ट्रॉय, ठीक है, वेस्ट, बाकी तुम बना लेना। हाँ कहते चलो, यस यस हाँ कहते चलो, गो ऑन सेइंग, यस गो ऑन सेइंग, हाँ कहते चलो, ठीक है, यस गो ऑन सेइंग, हाँ कहते चलो। मैं हूं ना, आई एम ऑलरेडी प्रेजेंट, मैं हूं ना, आई एम ऑलरेडी प्रेजेंट, तुम बड़े वो हो, यू आर दैट वन। चलिएगा, सीखिएगा, पढ़िएगा, कोशिश करें, धन्यवाद।